तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। लेट्स इवेल्युएट। तो इसमें जो क्वेश्चन है, हम करेंगे मल्टीप्लाई विदाउट कैरी ओवर। ठीक है, कि जिसमें कोई भी नंबर है जो वो सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले में थ्री पहले हम कैसे करते थे, करना कैसे है? कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई। हम हमेशा पहले राइट वाला नंबर लेंगे, राइट वाला, फिर बाद में लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 × 3 मतलब 3 का टेबल पढ़ना है, इसका टेबल पढ़ना है 3 तक, सबको 3 का टेबल आता है ना। तो 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर आ गया 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 × 1 = 3, कितना आया, कितना आया 3। तो ये बना हमारा आंसर, जो बना वो कितना बना, 39। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, 3 का। पहले राइट वाले नंबर से स्टार्ट करना है ना, तो 2 से, 3 × 2 = 6। फिर बाद में इसकी टर्न, 3 × 3 = 9। अंडरस्टैंड, पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब टेबल पढ़ना है, फिर इसका टेबल पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है नंबर, टेबल पढ़ के आ रहा है, वो सिंगल डिजिट में आ रहा है ना। सो देखो नेक्स्ट, तो नाउ नेक्स्ट है 12 × 4। तो फिर 4 का टेबल अब चलेगा, 4 का टेबल पहले 2 तक, 4 × 2 = 8, फिर बाद में 4 का टेबल 1 तक, 4 × 1 = 4। तो कितना बना आंसर, 48। 48 इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट आप खुद करोगे, वो तो 1 से ही है मल्टीप्लाई, वो तो इजी वाला है। ठीक है, आगे एफ पार्ट, जी पार्ट, ये भी आप खुद करोगे। मैं जी वाला पार्ट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 0 = 0, 2 × 4 = 8। ठीक है, लेफ्ट से कभी भी हमने स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है वो है, ये देखो, ये 3 डिजिट वाले आ गए। ये सारे जो है ना, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 3 3 डिजिट्स हैं। ओके, तो हम ये करेंगे, 2 × 2 = पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ऐसे ही यहाँ पर पहले इससे मल्टीप्लाई 8, फिर इससे मल्टीप्लाई 2 × 2 = 0। ओके, फिर बाद में इससे मल्टीप्लाई, 2 वाला रह गया, तो इससे मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4। तो कितना आया, 408। ओके, तो जो बाकी के हैं वो आप खुद करोगे, ये सारे क्वेश्चंस के और एल पार्ट आप खुद कर लो, इजी हैं ये, सबसे इजी वाले हैं जो विदाउट कैरी ओवर होते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए हों। थैंक यू।